हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें एक मंत्री का टिकट कटा है और कई मंत्रियों की सीट बदल दी गई है, तो 11 विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव शिमला शहरी सीट पर किया गया है। यहां पर मंत्री सुरेश भारद्वाज की जगह बीजेपी ने चाय वाले संजय सूद पर भरोसा जताया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं संजय सूद को, जिनकी ओल्ड शिमला बस स्टैंड पर चाय की दुकान है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि संजय सूद कौन है और किन खूबियों के चलते बीजेपी ने उन्हें टिकट देने का फैसला किया है। पार्टी के प्रदेश संगठन में निभा रहे हैं बड़ी भूमिका। बीजेपी कोषाध्यक्ष के रूप में निभा रहे जिम्मेदारी। संजय सूद की संगठन में मानी जाती है अच्छी पकड़। ओल्ड शिमला बस स्टैंड पर उनकी चाय की दुकान। बीजेपी की ओर से चुने जा चुके हैं पार्षद। जनता के बीच अच्छी पकड़ रखते हैं संजय सूद। शहर भर में संजय सूद को टिकट मिलने के बाद जनता उनकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रही है। वहीं संजय सूद ने कहा कि वो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों की धूल भी नहीं मानते, लेकिन वो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाय बेचता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिलाया है, मगर जो आपका कंपैरिजन है कि प्रधानमंत्री जी भी चाय वाले हैं और मैं भी चाय वाला हूं, मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री का मुकाबला जो है पूरे विश्व में नहीं है, मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं, मगर मेरे पर प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी ने विश्वास जताया है, मैं उनके अपेक्षाओं पर अच्छा उतरूंगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। कि चुनाव हमेशा अपने आप में एक चुनौती रहता है और चुनाव को चुनौती लेकर ही लड़ना चाहिए, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं हम इस चुनौती से पार पाएंगे और हम जीत कर आएंगे। साल 2017 में भी संजय सूद भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए प्रबल दावेदार थे। संजय सूद और सुरेश भारद्वाज को पार्टी के अंदर का धुर विरोधी माना जाता है। बीते 5 साल से दोनों ही नेताओं के गुट संगठन और सरकार में अलग अलग दिशाओं में काम करते रहे हैं। अब ये देखना होगा कि संजय सूद को शिमला और सुरेश भारद्वाज को कसुमटी से टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।